हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और आज मैं आपको एक न्यू स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है ये। तो ये देखिए, हमने किनारी साइड से इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है। मैंने ये फ्रॉक के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। 13 इंच पर हमने यहाँ से इस तरीके से लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से मार्जिन रहेगा, यानी तैयार रहेगी हमारी 12 इंच की। तो हमने यहाँ पर देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ निशान लगाना है, जो हमारा मार्जिन का रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच हम यहाँ पर मुड्ढे के निशान लगा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने शोल्डर के और मुड्ढे के दोनों निशान लगा लिए हैं। चेस्ट का नाप है 30 इंच, तो हमने चौथाई में से एक हिस्सा रखना है, तो वहाँ पर आएगा हमारा 7.5। पेटी है हमारी 26 इंच, तो हमने चौथाई में से एक हिस्सा रखना है, तो वो आएगा यहाँ पर 6.5 इंच। तो हमने यहाँ पर देखिए, इस तरीके से निशान लगा लिए हैं इंची टेप रखकर फिटिंग के। तो हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का निशान लगाया है और यहाँ पर देखिए, अब हम मुड्ढे के निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच हमने शोल्डर नीचे की तरफ करा है और 1/2 इंच हमने पेटी करी है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, हमने पेटी को इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाने हैं। इंची टेप रखकर हमने देखिए इस तरीके से 1/2 इंच निशान लगाए हैं। यहाँ से हमने शोल्डर को 1/2 इंच करा है। अब हम बाहर वाले निशान पर कटिंग कर देंगे। तो पेटी को आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए, हमारी कोटी की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम आपको नीचे साइड से जो हमारा कपड़ा है, पहले इसको हम बराबर कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से किनारी पकड़ूंगी। देखिए, इस तरीके से हमने ये किनारी साइड से फोल्ड किया है डबल। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और। इसको हमें तिकोना फोल्ड करना है, जैसे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं, उसी तरीके से ही हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर तिकोना फोल्ड किया है और पेटी को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इसके पेटी को हमने यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर एक चौकर निशान लगा लेंगे, जहाँ हमारी पेटी परफेक्ट आ रही है। उसके बाद हमने फ्रॉक की लेंथ नाप ली है। लेंथ हमने रखनी है 35 इंच। तो हमने 35 इंच पर निशान लगा लेंगे। फुल लेंथ हमारी 35 इंच है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं लेंथ के। इंची टेप को इस तरीके से रखते जाएंगे आगे की तरफ और हम निशान लगा लेंगे। पहले हमने कोटी के बराबर में कटिंग करनी है, उसके बाद हम नीचे साइड में कटिंग कर देंगे। ये देखिए, कटिंग हमारी इस तरीके से हो गई है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे, इसकी स्लिप्स की कटिंग भी बताएंगे आपको। तो ये देखिए, हमने एक साइड का बैक साइड से हटा देंगे और फ्रंट साइड का जो हमारा पर्थ है, उसमें हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अप डाउन फ्रॉक बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमने फ्रंट साइड का जो पर्थ है, उसमें निशान लगाने हैं। यहाँ से हमने 5 इंच के निशान लगाने हैं और यहाँ से हमने 5 इंच कटिंग करनी है। तो 5 इंच हमारा ये फ्रंट साइड का जो पर्थ है, वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये फ्रॉक अप डाउन है। बैक साइड का पर्थ जो है, वो हमें 5 इंच नीचे की तरफ करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से कटिंग कर ली है फ्रंट साइड के पर्थ की 5 इंच। अब हम यहाँ से इसकी स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए 2 मीटर कपड़े में ही ये अप डाउन फ्रॉक बनाई है। अपने साइड वाले कपड़े से इसकी बाजू को कटिंग करना है। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन का छोड़कर 2 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने 12 इंच लेंथ लेनी है और 1 इंच हमने नीचे से मार्जिन रखना है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम इस तरीके से गोल करके, और नीचे से हमने यहाँ पर बॉटम का निशान लगाया है 4 इंच का। और यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद हम बाहर वाले निशान पर कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अप डाउन फ्रॉक कटिंग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है। तो ये देखिए, हमने बाहर वाले निशान पर ही कटिंग कर दी है। तो ये देखिए, अब हमने इस कोटी को लेना है और यहाँ पर हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगाया है। 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे, यानी कि गहराई। यहाँ पर हमने देखिए 3 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा यानी कि 4.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, जो हमारा फ्रंट साइड का पर्थ है उसके लिए हमने गले को थोड़ा बड़ा करना है यानी 4.5 इंच का करना है, और बैक साइड का हमने 3 इंच करना है। तो ये दो निशान हमने लगा लिए हैं। यहाँ से हम पहले बैक साइड के गले की गोलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से दोनों साइड के गलों की अब गोलाई कर ली है। तो देखिए हम यहाँ पर अब पहले बैक साइड का जो गला है उसी के बराबर कटिंग करेंगे फ्रंट साइड के पर्थ की भी। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद हमने एक पर्थ को इसमें से निकाल देना है, जो हमारे बैक साइड का पर्थ रहेगा वो हमने इसमें से हटा दिया है। और उसके बाद हम ये फ्रंट साइड का जो पर्थ है उसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने ये अप डाउन फ्रॉक का। 2 मीटर कपड़े में ये मैंने फ्रॉक बनाकर आपको दिखाई है। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।